नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद हम कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब अकाउंट में लॉगिन हो लेना है। मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ और इसके बाद यहाँ आपको अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आ रहा है योर चैनल, इसके ऊपर जाना है और यहाँ से करना है कस्टमाइज चैनल। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। यहाँ आ रहा है मोनेटाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड, ओके, और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ आपको इस तरह का ये ग्रीन जो सिग्नल सा है यहाँ ये दिखाई देगा, ओके। और जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको ये यहाँ पर जो सही का जो टिक मार्क है ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और जो हमारा वॉच टाइम है वो भी 4000 घंटे से ज्यादा का हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आ रहा है नीचे अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ आप देख सकते हैं रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, सेकंड साइन अप फॉर गूगल एडसेंस और थर्ड है गेट रिव्यू। अब इन तीनों स्टेप्स को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप के नीचे यहाँ आ रहा है स्टार्ट का एक आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है। यहाँ कुछ इसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं और उन्हें आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स यहाँ टिक करना है और यहाँ कर देना है आपको एक्सेप्ट टर्म्स। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये रिफ्रेश हो रहा है। अब ये रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ देखिए यहाँ आ चुका है डन, यहाँ आप देख सकते हैं डन। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आना है सेकंड स्टेप के ऊपर। यहाँ हमें अपने जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उससे अपने यूट्यूब चैनल को लिंक करना होता है। तो यहाँ आ रहा है इसके नीचे स्टार्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आपको एक एरो जैसा आइकन मिलेगा ये, ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ ये बोल रहा है आपसे यदि आपके पास पहले से कोई गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, यस आई हैव एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, ओके। और यदि आपके पास नहीं है तो नो आई डोंट हैव एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, ओके। तो हमारे पास अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आई डोंट हैव एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे आपको यहाँ से इसे कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे कंटिन्यू। तो ये हमें एक न्यू टैब में रीडायरेक्ट करेगा, ओके। अब आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी चूज करना है जिस ईमेल से आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अपना वही ईमेल अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल का है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ आ रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है नो डोंट सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशंस, यहाँ आपको नो पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट योर कंट्री, तो यहाँ से आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आप जिस कंट्री में रहते हैं, तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसे इंडिया सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे और आना है और यहाँ आ रहा है यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ आपको टिक करना है। चाहे तो आप इसका जो एग्रीमेंट है इसे आप रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद यहाँ टिक करें। इसके बाद आपको यहाँ से कर देना है क्रिएट अकाउंट। इसके बाद दोस्तों यहाँ आ रहा है गेट स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ आ रहा है अकाउंट टाइप, तो यहाँ आपको इंडिविजुअल रखना है, यहाँ पर आपको बिजनेस अकाउंट नहीं रखना है, ओके, यहाँ इंडिविजुअल। क्यों, यहाँ अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट यहाँ सेलेक्ट आता है बाय डिफॉल्ट तो आपको यहाँ से इसे इस एरो के आइकन से इंडिविजुअल करना है। अब इसके बाद नेम एंड एड्रेस, अब जिस नाम से आप
अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर डालें। तो मैं यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट मेरे चैनल का नाम ले लिया है और यहाँ पर आप वही नाम डालें जो आपके बैंक अकाउंट में है। ओके, तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है जो मेरे बैंक अकाउंट में है। मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर सिटी डालना है आपको, और यहाँ पर डालना है आपको पिन कोड पोस्टल कोड। ओके, और यहाँ पर आपको स्टेट और फोन नंबर ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपना फोन नंबर भी डाल देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ से कर देना है सबमिट। तो यहाँ मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आ गया इन प्रोग्रेस और नीचे आ रहा है योर एडसेंस अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड और एसोसिएट द अप्रूवल एंड एसोसिएशन प्रोसेस कैन टेक अप टू सेवरल डेज। तो ये एक दिन का या दो दिन का टाइम लगता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये अब इन प्रोग्रेस में है। तो दोस्तों पूरे दो दिन बाद अब हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन था हमारा वो डन हुआ है कि नहीं। यहाँ मैं अपने चैनल में लॉगिन हो चुका हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टेप टू था वो भी अब यहाँ पर डन हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड एन एडसेंस अकाउंट। और जो थर्ड स्टेप था हमारा वो ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस आ रहा है, यहाँ पर ये प्रोग्रेस में चला गया है। अब YouTube की जो टीम है आपके चैनल का यहाँ पर रिव्यू करेगी और यहाँ आ रहा है दिस स्टेप विल बिगिन ऑटोमेटिकली आफ्टर यू कम्प्लीट द फर्स्ट टू स्टेप। और जब आप फर्स्ट जो दो स्टेप हैं शुरू की उन्हें आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ आ रहा है दिस स्टेप विल बिगिन ऑटोमेटिकली आफ्टर यू कंप्लीट द फर्स्ट टू स्टेप, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ 24 से 48 घंटे का वेट करना है। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये कितने घंटे बाद होता है, 6 से 7 घंटे या 24 घंटे बाद। ओके, तो दोस्तों पूरे 3 दिन बाद मैंने अपने चैनल में लॉगिन किया है, हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे, डन हो चुके थे, और जो तीसरा स्टेप था हमारा जो कि यूट्यूब के लिए रिव्यू में हमारा चैनल गया था यूट्यूब के पास, अब हम उसे चेक कर लेते हैं कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ और इसके बाद आपको अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है योर चैनल, यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ कस्टमाइज चैनल, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर ऊपर आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू कैन नाउ मोनेटाइज योर वीडियोस एंड एक्सेस सपोर्ट। ओके, तो यहाँ ये मैसेज हमें आ चुका है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने मोनेटाइज वाले सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ आ रहा है मोनेटाइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 दिन पहले आ रहा था स्टेप फर्स्ट डन, और नीचे आ रहा था स्टेप टू डन, और जो थर्ड स्टेप था जहाँ आ रहा था कि आपका चैनल रिव्यू में है इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर वो थर्ड स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है और यहाँ आ रहा है अर्न मनी फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, आप अपने चैनल से पैसा कमा सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों हमारा वो होगा कि हम अपने वीडियोज के ऊपर एड कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, और यहाँ मैं आपको इसका मेल भी दिखा देता हूँ, जो यूट्यूब की तरफ से जो मेल आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब चैनल वी के कंप्यूटर हिंदी हैज बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड इज नाउ एबल टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब, टू गेट यू स्टार्टेड चेक आउट द यूट्यूब क्रिएटर साइट सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब टीम एंड अदर क्रिएटर्स लाइक यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, यहाँ आ रहा है यू हैव बीन अप्रूव्ड टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम अपने वीडियोस के ऊपर एड कैसे अप्लाई करते हैं, एड्स को कैसे प्लेस करेंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, कंप्यूटर टिक्स, मोबाइल टिक्स से रिलेटेड वीडियोस इसी तरह लेके आता रहूंगा। और यदि आपको चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% दूंगा। तो वीडियो पोस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।